इसीलिए हम आज मेट्रो स्टेशन नहीं स्नो स्टेशन लेकर आए। जी हाँ, इसमें पहाड़ से लेकर के मैदान तक और स्नोफॉल से लेकर शीत लहर तक हर खबर आपको दिखाएंगे। शुरुआत हिमाचल प्रदेश की खबर के साथ। कुदरत से मिली पहाड़ की खूबसूरती में उस वक्त चार चांद लग गए जब ईश्वर की बनाई ये जगह सफेद बर्फ की आगोश में सो गया। आसमान से जब रूई की फुहार बनकर बर्फ बरसी तो जमीन ने सफेद कंबल ओढ़ ली। पेड़ों की हरियाली सफेदी के आगे शर्मा गई और चेहरे को बर्फ की चादर से ढकी। नजारा ऐसा मानो नजरों को इन्हें छोड़ कुछ और देखना गवारा नहीं। हमने सुना ही था कि धरती पर अगर स्वर्ग है तो वो कश्मीर है, और आज अपनी आंखों से ये हमने देखा भी और हमें बहुत अच्छा लगा। जन्नत की वादियों की ये खूबसूरत तस्वीर है पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के चंबा की, जहां बीती रात बर्फबारी के बाद सड़कों पर मोटी बर्फ की चादर बिछ गई। चंबा के कालाटोप में हुई कुदरत की ये इनायत पर्यटकों की मनमांगी मुरादें पूरी कर गया। सैलानी सड़कों पर बर्फ के साथ खेलने लगे। मैं सारे मतलब जितने भी टूरिस्ट हैं, जितने भी अदर कंट्री से जो भी मतलब इंडिया आते हैं या फिर चंबा आते हैं, डलहौजी आते हैं, तो यहाँ पे आए और इस जगह का थोड़ा लुफ्त ले। अभी हम कालाटोप में हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी भारी बर्फबारी हो रही है और यहाँ पे हमें बहुत मतलब आनंद आ रहा है। यहाँ के मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फील है, और आप देख सकते हैं रोड्स भी काफ़ी भर चुके हैं बर्फ़ से, और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ के। और 2022 की ये फर्स्ट स्नोफॉल है। अपने हाथों में छाते लिए ये पर्यटक बारिश की बूंदे नहीं बर्फ की फुहारों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर मनाली की है, जहां बर्फबारी के बाद मौसम इतना सुहाना हो गया कि दिल्ली और बाकी जगहों से आए पर्यटक अपने अपने होटल से निकलकर सड़कों पर आ गए खूबसूरत नजारे का दीदार करने। अब बर्फबारी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। मॉल रोड की मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके से मनाली मॉल रोड में जो है वो बर्फबारी के बाद का नज़ारा क्या है वो आप देख ही सकते हैं। लोग जो हैं वो बर्फबारी का जमकर यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं, सैलानी जो हैं वो इसी बर्फबारी के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, और यहाँ पर इन दिनों विंटर कार्निवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये विंटर कार्निवल इसीलिए फेमस है क्योंकि इसी तरीके की बर्फबारी जो है वो विंटर कार्निवल के दौरान। कहते हैं कि धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है, लेकिन इस वक्त मनाली का मौसम इस कदर सुहाना हो गया है कि सैलानी जन्नत का पूरा मजा मनाली में लेने लगे हैं। पर्यटकों का दावा है कि ऐसा मौसम या तो कश्मीर में होता है या फिर हिमाचल में। दिल्ली से। तो मैम कैसे एंजॉय कर रही हैं स्नोफॉल का? खूब अच्छे से, बड़ा मजा आ रहा है। हम सिर्फ स्नोफॉल देखने के लिए आए और हमें बड़ा अच्छा लगा आज। मनाली में मौसम की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। वेस्टर्न डिस्टेंस के दाखिल होते ही जो है वो पिछले कल से ही मौसम खराब चल रहा था, लेकिन आज अब बर्फबारी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। मॉल रोड की मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके से मनाली मॉल रोड में जो है वो बर्फबारी के बाद का नजारा क्या है वो आप देख ही सकते हैं। लोग जो हैं वो बर्फबारी का जमकर यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं, सैलानी जो हैं वो इसी बर्फबारी के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, और यहाँ पर इन दिनों विंटर कार्निवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये विंटर कार्निवल इसीलिए फेमस है क्योंकि इसी तरीके की बर्फबारी जो है वो विंटर कार्निवल के दौरान देखने को मिलती है। आइए कुछ एक लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर स्नोफॉल का किस तरीके से मजा ले रहे हैं। क्या नाम है आपका, क्या नाम है, कहाँ से हो? हम दिल्ली से हैं, मेरा नाम रुचि है, एंड हम 1st of January को आए थे। स्नोफॉल एक्सपेक्ट किया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत फ्लक्चुएशन चल रही थी वेदर में और हमें लगा था कि ये इस बारी भी स्नोफॉल नहीं होगा क्योंकि 2 दिन से फॉरकास्ट हो रहा है और डिले हो रहा है स्नोफॉल, और आज हम ऐसे ही घूमने आए थे मॉल रोड पे एंड स्नोफॉल। मनाली में इस वक्त विंटर कार्निवल भी चल रहा है जिसका मजा भी सैलानी उठा रहे हैं। शिमला की वादी भी गुलजार है,
बर्फबारी के बाद पहाड़ और सड़कों का नजारा बदला बदला सा है। शिमला में आसमान में काले बादल का बसेरा हुआ तो पर्यटक भी बाहर निकल गए। स्थानीय से लेकर सैलानी तक इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। लोग बाहर निकलकर खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में खासकर अगले 24 घंटों में पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी होने वाली है, जिससे लोगों को थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम खराब होने की वजह से सड़क, बिजली, पानी और परिवहन पर असर पड़ेगा। 4 से 5 दिनों में जो मिड और हाई हिल्स के एरिया है वहाँ भी बर्फबारी होगा और मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना भी है, और जो लोअर हिल्स के एरिया हैं, जो नीचे के मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे बारिश होने की संभावना है। और ये डेवलपमेंट जो है आज रात से या कल से शुरू होगा और फिर इंक्रीज करेगा 5 और 6 तारीख के आसपास, और फिर आगे भी कंटिन्यू करेगा 7, 8 और 9 तारीख को। पहाड़ी राज्य खासकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर में ठंड के मौसम में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी दूर दूर से आते हैं। और जितना इन सैलानियों को इंतजार होता है सुहाने मौसम का, उससे कहीं ज्यादा बेसब्री से टकटकी लगाए बैठे रहते हैं यहाँ के वो व्यापारी, जिनकी आमदनी भी इन सैलानियों के आने से गुलजार हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर